वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आएगा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने कल जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र या ब्रेव ब्राउज़र दोनों में से कोई भी एक लगेगा, दोनों में वर्क करता है। वैसे मैं फ़िलहाल क्रोम में दिखा रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ कहाँ गया, थंबल्स में जाना है, थंबल्स, ये रहा थंबल्स। और ये ट्रिक 100 में से 90% वर्क करती ही है हर बार, लेकिन आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये जो वन बॉल वाला है ज़रा हार्ड है, इसलिए मैं इसको नहीं प्ले कर रहा, मैं कर रहा हूँ टू बॉल्स वाला। टू बॉल्स वाला थोड़ा इजी रहता है प्ले करने में। तो इधर हम वैल्यू डाल लेंगे अपनी, जो है चलो 15 रुपये डाल देते हैं, 15 रुपये से प्ले होगा। और आपको किसी भी एरिया में राइट क्लिक करना है और जाना है इंस्पेक्ट मोड में। आप जैसे इंस्पेक्ट मोड पर क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, और देखिए मैं जहाँ भी कर्सर लेके जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट हो रहा है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको सिर्फ ये जो छोटा एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ग्लास पे क्लिक करना है। आप जैसे ग्लास पे क्लिक करोगे एक लाइन हाईलाइट हो जाएगी वो विंडो में, राइट वाले विंडो में जिसमें आपने ओपन किया था सब। आपको सिलेक्ट करना है ये वाला बटन डाटा आईडी 0, ये छोटे एरो पे क्लिक करना है, और ये जो स्पैन क्लास है ना इस पर क्लिक करना है। जैसे आप स्पैन क्लास पे क्लिक करोगे नीचे एक एलिमेंट स्टाइल करके विंडो आएगा, उस पर क्लिक करके बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड, ध्यान से सुने, बैकग्राउंड लिखना है। जैसे बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड को लिखने के बाद, सॉरी सिलेक्ट नहीं करना है, बैकग्राउंड लिखने के बाद बैकग्राउंड पर एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर दबाओगे आपके सामने एक नया विंडो पॉपअप होगा जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आपको एक कलर सिलेक्ट करना है, मैं एक्वा सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें फ़िलहाल। फिर यही स्टेप आपको बटन डाटा आईडी 1 में करना है, बटन डाटा आईडी 1 के छोटे एरो पे क्लिक करना है, और स्पैन मोड में स्पैन क्लास में जाना है, और वापस वही प्रोसीजर बैकग्राउंड टाइप करके एंटर दबाना है, और कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करना है। जैसे ये पहले वाले से अलग जो हो, मैं यहाँ ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ, और एंटर दबा देना है। सेम प्रोसीजर आपको बटन डाटा आईडी 2 के लिए वो छोटे एरो पे क्लिक करके, स्पैन क्लास पे क्लिक करके, एलिमेंट स्टाइल पे क्लिक करके बैकग्राउंड लिखना है, और एंटर दबा के कोई थर्ड कलर सिलेक्ट कर लेना है। इधर मैं कोई रेड ले लेता हूँ, टोमेटो, एंटर। ये हो गया, देखो हो गया, सब प्रोसीजर हो गया। सिर्फ आपको अभी प्ले करना है और देखना है कौन से क्लास में बॉल थी। चलो मैं अभी मैं प्ले करता हूँ। प्ले पे क्लिक करने के बाद देखो रेड वाले में और स्काई ब्लू जो एक्वा ब्लू है उसमें है बॉल। आपको सिर्फ वो कलर याद रखना है जिसमें बॉल थी, दो बॉल थी ये डिफरेंट। चलो हो जाता है, हाँ चलो अभी देखो इस पर था ना, क्लिक करता हूँ मैं इस पर, ये देखो आ गया बॉल। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली आपको वो कलर याद रखना है जिसमें बॉल थी, क्योंकि क्लास तो आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको ये कलर याद रखना है। ये विंडो आप क्लोज भी कर सकते हैं। चलो मैं एक बार वापस आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ। आपको देखना है अभी, आप देखिए कौन से कलर में थी बॉल, ये जो सब तीन कलर है इसमें कौन से में आ रहा है बॉल। चलो प्ले करता हूँ, इस बार भी वही है रेड और वो एक्वा, टोमेटो रेड और एक्वा कलर में। गेम को होने देते हैं पूरा। ये मेरा पहला है वीडियो तो इसलिए थोड़ा वॉइस समझ लेना आप थोड़ा। चलो एक्वा फिर से, एक्वा रेड में था, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते, रेड में भी आता था, एक्वा में भी आता था, मैं फ़िलहाल एक्वा ही सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आपको गेम प्ले करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलना है, दिन में आप समझो एक एक घंटे में एक एक बार खेल लो वैल्यू लगा के। चलो अभी मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 20 लगा देता हूँ और प्ले करता हूँ। इस बार दोनों ब्लू में है, रेड में नहीं है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि ज़्यादा मत खेलो, लालच मत करो, तो समझो आपका लॉस हो गया आप 15। इसमें लॉस होता ही, ऐसा नहीं कि ये 100% वर्क करेगा, 80% वर्क करता ही है। जैसे आपका लॉस हो गया, चलो पहले ये करते हैं, हाँ ये हो गया, देखो आ गया ऐसा। तो मैं बोल रहा था जैसे आपका लॉस हो गया आप वैल्यू को डबल करके खेलो, लेकिन ज़्यादा लालच मत करो। सही, मैं एक ही बात बता देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस का, कि ज़्यादा लालच करते तो हारते ही हैं। आप वीडियो को पूरा देखना कैसे मैं खेल रहा हूँ, खाली आपको कलर याद रखना है और उसमें
किस कलर में बॉल थी वही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो की थोड़ी वॉइस ओवर यह सब अलग लग रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला वीडियो मैं अच्छे से बनाऊँगा, ठीक से। आप पहला वीडियो ऐसे समझ के एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं।